हेलो प्रणाम नमस्कार पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रगम तत्व टॉक्स माय ग्रीन पॉडकास्ट। सो हाल फिलहाल ही में मैंने सुना कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में 7 नए स्टेडियम बनाए गए जिसमें से स्टेडियम 974 की उसके निर्माण को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस स्टेडियम का निर्माण शिपिंग कंटेनरों से किया गया है। इस स्टेडियम के नाम के पीछे भी एक वजह है। दरअसल इस स्टेडियम में निर्माण में 974 कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये संख्या इस खाड़ी देश का इंटरनेशनल डायलिंग कोड भी है। यह स्टेडियम दोहा के रासबू अबाउत स्थित है। वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया ये स्टेडियम एकमात्र नॉन एयर कंडीशन स्टेडियम है, इसीलिए इस स्टेडियम में सिर्फ शाम को ही मुकाबले खेले गए। तो दोहा के इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है और मुख्य बात ये कि इसे रीसाइकल मटेरियल से बनाया गया है। इसमें स्टील और पुराने शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया है। फीफा का कहना है कि ये अपनी तरह का पहला स्टेडियम है जिसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है और फिर से बनाया भी जा सकता है। यह फीफा विश्व कप के इतिहास का पहला स्टेडियम है जिसे टूर्नामेंट के बाद डिसमेंटल कर दिया जाएगा और निवासियों के मनोरंजन के लिए एक तटवर्ती विकास के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। ऐसा करते यह बताने की भी कोशिश की गई है कि कई स्ट्रक्चर्स को कम कीमत पर बड़े आयोजनों के लिए अस्थायी तौर पर निर्माण किया जा सकता है। तो ये खबर मुझ जैसे इको फ्रेंडली लोगों को तो बेहद खुशी हुई जानकर कि आजकल फीफा जैसे बड़े नाम भी रीसाइकल में विश्वास रखते हैं और उस पर प्रयास भी कर रहे हैं। रिड्यूस रीयूज और रीसाइकल ये मंत्र होता है हर उस इंसान का जो इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण हितैषी होता है। कभी सोचा है आपने कि रीयूज करना क्या है, कैसे करना है और इसे कैसे समझें? कभी आया दिमाग में कि अगर मुझे कुछ रीसाइकल या रिड्यूस करना है तो मैं कैसे करूं? हाँ, DIY बनाना भी एक कला है। ना उपयोग में आने वाली बोतलों और प्लेटों से कुछ सुंदर डेकोरेटिव चीजें बनाई जा सकती हैं। पर हाँ, ये शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल ये तो हमें बहुत ही पसंद आए। तो दोस्तों, दुनिया में हर साल लाखों टन प्लास्टिक का उपयोग होता है। कई सालों तक नष्ट न होने वाला प्लास्टिक जमीन को बंजर और वातावरण को दूषित बनाता है। लेकिन सरकारों और कुछ लोगों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने और वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए लोगों को कम से कम प्लास्टिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। कई लोगों ने अपने स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के कई तरीके निकाले और लोगों को जागरूक भी किया कि कैसे हम उसे रीपर्पस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं या रीसाइकल कर सकते हैं। तो इसी दिशा में आइए आज आपसे मिलवाते हैं गौरव दत्त जी से, जो कि इको ट्रूप फाउंडेशन, जो कि एक NGO यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर है। ये विश्वास रखते हैं रीडिफाइन, reuse and regenerate plastic, paper, glass, wood, cloth, e-waste और बहुत कुछ। तो जुड़ते हैं इनके मिशन से जो कि स्ट्रे एनिमल्स को भी हेल्प करते हैं। तो आइए इनके इस सफर को और बेहतर जानते हैं और मिलते हैं गौरव दत्त जी से ग्रीन तत्व टॉक्स की इस एपिसोड। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं आप? गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन तत्व टॉक्स के इस एपिसोड में। नमस्कार,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी गौरव जी के बारे में और इको ट्रू फाउंडेशन के बारे में। गौरव जी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे इको ट्रू फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य है प्लास्टिक को कचरे के ढेर में पहुंचने से पहले ही रोकना। हम जानते हैं कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में अमूमन प्लास्टिक और कचरों के ढेर से, गाड़ियों से बिखरे हुए कचरे से, सड़कों पर इधर उधर फैल जाता है और कई बार गाय, कुत्ते आदि जानवर इसे खाकर बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इनके अभियान का यही लक्ष्य है कि पहले चरण में ही प्लास्टिक को कचरे के ढेर में आने से रोकना है। ये आपसे प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और फिर किसी भी तरह का प्लास्टिक हो जो आप दे रहे हैं, चाहे वो थैली हो, डब्बा हो, ग्लास हो, जैसा भी हो, यही नहीं प्लास्टिक ही नहीं, अगर आपके पास अखबार, किताबें, कपड़े, कांच की बोतल या ऐसी कोई भी चीज जो रिसाइकल की जा सकती है, अगर आप उसे दान करना चाहते हैं, डोनेट करते हैं, तो इको ट्रू फाउंडेशन प्रयत्न करता है कि वो उसे सही जगह पर पहुंचाए जहां उसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिसाइकलिंग हो सके। तो गौरव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये नाम इको ट्रू, ये कैसे पड़ा, ये मतलब किसने चुना या ये नाम आपने कैसे सोचा? ये नाम मैंने खुद सोचा, और इसमें क्या था कि हम ग्रुप बना के जाते थे, क्लीनिंग ड्राइव करते थे, तो एक ट्रू बनता था हमारा, तो वही ये पर्यावरण के लिए हमने ये नाम सोचा कि इको ट्रू फाउंडेशन इसका नाम होना चाहिए। देन हमने इसको एनजीओ रजिस्टर कराया, उसके बाद से ये सफर शुरू हुआ। 2018 से लगातार हम इस काम को अभी कर रहे हैं, तो 5 साल होने वाले हैं, 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 5वें साल में कदम रख चुके हैं, तो 5 साल मतलब लगातार ये काम कर रहे हैं अभी। क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 5 साल हो गए हैं इस एक बेहतरीन काम को करते हुए, जिसमें आप प्लास्टिक को लैंडफिल्स में जाने से रोकते हैं। पर जब आपने ये सफर शुरू किया, तो जैसे आपने कहा कि आपका कोई ग्रुप या कोई ट्रूप था, तो मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा या ऐसी कोई बात हुई थी जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे ये शुरू करना है? मतलब ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले कि आपको लगा कि नहीं, ये करने की जरूरत है और मुझे करना है ये? इसका बेसिक यही था कि हम पहले गायों की सेवा करते थे, तो एक गाय हमारे पास आई थी, बीमार थी काफी, तो जब उसका इलाज किया गया तो उसके पेट से सारा प्लास्टिक निकला। तो जब हमने मेरे फ्रेंड ने उसका ट्रीटमेंट किया था, तो हमने जब देखा, हमने प्लास्टिक निकाला उसके पेट से खुद, तो हम देख के खुद हैरान थे कि इतना सारा प्लास्टिक उसके पेट से निकला था, लगभग 30 से 40 किलो प्लास्टिक उसके पेट से उस टाइम निकला था। तो देन फिर मैंने ये सोचा कि हमें इसके लिए कुछ करना। मैं रोहिणी में ही लोगों के घरों से धीरे धीरे प्लास्टिक लेना शुरू किया, उनको मोटिवेट किया कि आप प्लास्टिक सेग्रीगेट कीजिए, देखिए गाय में जाता है, ये बीमार पड़ती हैं, और भी कई जानवर ऐसे हैं जो दिल्ली में सड़कों पे घूमते हैं, कुत्ते हो गए, सुअर हो गए, बहुत से ऐसे बंदर हैं दिल्ली में, बंदर भी प्लास्टिक खाते हैं, तो मतलब आज की डेट में हर कोई प्लास्टिक ही खा रहा है, इवन इंसान भी प्लास्टिक ही खा रहा है देखा जाए तो। लेकिन जो गायों पे इफेक्ट पड़ता है ना इसका, वो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो खाने के साथ इसको पूरा का पूरा ऐसे एज ए डिश कंज्यूम कर जाती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है इस प्लास्टिक को। तो यहीं से ये सोच आई थी कि हमें करना चाहिए। उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया तो लोगों ने मेरा साथ दिया, धीरे 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 करके कारवां बढ़ता गया और करते गए, 5 साल हो गए। मतलब ये तो मतलब आप एक एक साथ कई और अच्छे काम भी कर रहे हैं, आप सिर्फ प्लास्टिक को ही नहीं रोक रहे हैं लैंडफिल में जाने से, आप सडनली गायों और अन्य पशुओं के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। बिकॉज हाँ, अमूमन हमने देखा है कि कचरे के ढेर पर ये बंदर हैं, सुअर हैं, कुत्ते हैं, ये बचा हुआ खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और इनको पता नहीं चलता है, पर ये प्लास्टिक को भी खा जाते हैं। पता तब चलता है जब शायद इनको बीमारी हो जाती है या इनके पेट से इस तरह से चीजें मिलती हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये चीज अच्छी नहीं हुई है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे गौरव जी ने भी बताया कि ये 2018 से ये काम कर रहे हैं, 2018 से अब तक इन्होंने करीब 5000 किलो प्लास्टिक इकट्ठा किया है और कचरे और लैंडफिल या भराव क्षेत्र में जाने से रोका है। और साथ ही साथ जैसे इन्होंने बताया कि ये इंस्पायर हुए थे
उस बात से कि जब इन्होंने देखा कि इनके यहाँ पर जो गाय थी उसके पेट में से काफी प्लास्टिक मिला, तो ये आज भी जब ये प्लास्टिक रिसाइकल में देकर जो धनराशि इकट्ठी होती है उसे इस्तेमाल करते हैं गाय और अन्य पशुओं के चारे के लिए। यानी सारा पैसा जानवरों की सेवा में ही लगाया जाता है एंड आई एम श्योर ऐसा भविष्य में भी होता ही रहेगा। तो प्लास्टिक को कचरे में जाने से रोकिए, क्योंकि कचरे से ये पशुओं के शरीर में पहुंचते देर नहीं लगती, पर अगर हम इसे रिसाइकल यानी पुनरावृत्ति के लिए रखें तो उस राशि से पशुओं के लिए चारा और पशु आहार का इंतजाम किया जा सकता है जिससे कि वो कम से कम प्लास्टिक को ना खाएं। तो गौरव जी, जब आपने कहा कि जैसे आपकी टीम बनी, आपके दोस्त थे एंड उसी में किसी ने उस गाय का इलाज भी किया, आप पहले से गायों की सेवा करते थे, तो लोगों का आपके प्रति प्रतिक्रिया कैसी रही, रिस्पांस कैसा रहा, कि आपको ऐसा लगा हो कि लोगों ने कहा कि अरे ये क्या प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे कि लोगों का उस पर या आपका उस लोगों की प्रतिक्रिया के वजह से असर कैसा रहा, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, लोगों का असर बहुत पॉजिटिव रहा, जिसको भी मैंने समझाया उसने मेरी बात को सुना है, सुना भी है और इम्प्लीमेंट भी किया, भी हम इस काम को बढ़ा भी पाए हैं, नहीं तो ये बढ़ता भी नहीं। अगर लोग नहीं मानते तो नहीं होता, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से आज लगभग सभी सेग्रीगेशन कर रहे हैं और हमें प्लास्टिक दे रहे हैं। रही बात उनकी जो नहीं मानना चाहते, हम उनको अभी भी समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे, उनके अपने तर्क होते हैं, हमारे अपने तर्क होते हैं, लेकिन हाँ हम इसमें कंटिन्यू अपनी मेहनत कर रहे हैं। जब जैसे किसी का आपका पड़ोसी ये काम कर रहा है तो धीरे 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 देख के आप एक दिन आप भी शुरू करेंगे, तो हम उसी पे काम करते हैं कि आप जितना ज्यादा मोटिवेट कर सकें उतना ज्यादा मोटिवेट कीजिए और जो है प्लास्टिक को कचरे में जाने से रोकिए। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ बात नहीं हुई कि मैंने किसी को पर्सनली बोला हो, समझाया हो और उसने मना कर दिया हो, भगवान की दया से ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जितने भी है मेरे पास डाटा होता है सारा का सारा, कि कौन कितना सेग्रीगेशन कर रहा है, कितने किसके घर में कितना दूध आ रहा है, किसके घर में कितना नमकीन आ रहा है, कौन कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो मुझे सब पता होता है। कभी कभी कलेक्शन में किसी का नहीं किया तो मैं उनको रिमाइंड करा देता हूँ कि आपका इस बार ये नहीं आ पाया है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई हमने कचरे में डाल दिया या कुछ कर दिया, तो लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ, तो कभी एक जगह हम सफाई कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने पूछा कि आप सफाई क्यों करते रहते हैं, तो हमने कहा भैया हम सफाई देश को साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन कोई कचरा फैलाता है तो लोग उसको नहीं बोलते हैं कि कचरा क्यों फैला रहे हो, लेकिन बिल्कुल हमें जरूर पूछ लेते हैं कि आप सफाई क्यों कर रहे हो। तो मतलब लोगों की सोच जो है वो जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ लोगों की सोच इस तरह से हो जाती है, पर मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि लोगों ने आपको बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने आपका साथ दिया। और मुझे ये जानकर भी बेहद खुशी हुई जब आपने बताया कि जैसे कभी आपके पास किसी के घर से नहीं पहुंचता है, आपको पता है कि किसके घर में कितना दूध या कितना नमकीन है, किस तरह की चीजें आ रही हैं, और उन्होंने हर हफ्ते का या 10 दिन का या जैसा भी आपका ठहरा हुआ है उस तरह से इकट्ठा किया या नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है, सिर्फ कचरे के डब्बे में भर के अपने घर से कचरे को निकाल देना ही ये इस समस्या का हल नहीं है, हमें इसके आगे का भी सोचने की बहुत जरूरत है। तो गौरव जी, सरकार की कोई मदद अभी तक आपको मतलब इस कार्य में? देखिए, सरकार की तो अवेयरनेस चलती ही है, लेकिन इसमें सरकार भी क्या करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसका लेवल कोई छोटा नहीं है, ठीक है। सरकार अपने तरीके से अपने काम करती है, हम अपने तरीके से अपने काम करते हैं, तो सरकार मतलब जो कर रही है वो अपना कर रही है, हम अपना कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी हमें ऐसी कोई सरकार से मदद जो होती है वो नहीं मिल रही है, हम खुद ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, स्वच्छ भारत अभियान है जैसे, उसके अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, हम भी साथ दे रहे हैं, वो भी साथ दे रहे हैं, सब मिलजुल के कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए गौरव जी कि मतलब आप प्लास्टिक इकट्ठा कैसे करते हैं, लाइक मतलब घर घर जाते हैं या आपने कोई सेंटर पॉइंट बना रखा है, लोगों को कैसे पता चलता है कि वो आपको प्लास्टिक दे सकते हैं? आप मतलब आप कोई गाड़ी लेके निकलते हैं या आपने कोई सोसाइटी में या अपने इलाके में ऐसी कोई जगह बना रखी है जहां पर इकट्ठा करने के लिए कोई बिन्स है, मतलब किस तरह से करते हैं आप ये काम? बिल्कुल मैम, हमारा हर 15 दिन का कलेक्शन होता है, ठीक है, 15 डेज का हमारा सर्कल है। जब भी 15 डेज होते हैं तो हमारी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है सोसाइटीज में, कि
सब सोसाइटीज में कलेक्शन पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ से भी हम कलेक्ट करते हैं लोग वहाँ पर ड्रॉप करते हैं और अपना हमारी गाड़ी सेम डे जाती है और सेम डे उसको पिक करके लाती है। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली में हमारे 3 सेंटर हैं, एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है, एक शालीमार बाग में है और एक रोहिणी में है। तो ये तीनों सेंटर्स पे हम से ज्यादा 2 से 3 दिन में, 4 दिन में जितना भी कलेक्शन होता है वो वहाँ पे आता है और वहाँ से पिक होके फिर हमारे गोडाउन पे आता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस है, लेकिन जिस दिन भी लोग देते हैं और सेम डे पिक होता है उसके हाँ बाद ये जी, सेग्रीगेशन पे जाता है। हाँ जी, ओके ओके। सो दोस्तों, अगर आप बट ऑब्वियसली दिल्ली में हैं, और जिस तरह से भी गौरव जी ने बताया, नी फ्रेंड्स कॉलोनी, शालीमार बाग या रोहिणी में, जहां पर इनके पिकअप सेंटर्स हैं, आप वहां पर हैं, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप सेग्रीगेट करने के लिए प्लास्टिक दे रहे हैं। पर अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज अवगत रहिए, गौरव जी की इको ट्रू फाउंडेशन की गाड़ियां वहां पर आती रहती हैं हर 10 से 15 दिन में। अगर आप इन 3 जगहों में से कहीं पर भी हैं तो प्लीज मदद कीजिए प्लास्टिक को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए। ये जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो प्रयास ये कर रहे हैं, इसमें अपना साथ जरूर दीजिए। तो आपकी जो ये टीम है, टीम कहूंगी, या जितने भी लोग आपको मदद कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये मतलब आप कितने लोग हैं, या आपका परिवार का हिस्सा है, या आपने अपनी तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, दोस्त हैं, मतलब किस तरह से आपके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, जितने भी लोग हैं सब परिवार का ही हिस्सा है। एक्चुअली क्या है, ये हम जो भी मतलब जितने भी सोसाइटीज में कलेक्शन होता है सहयोग करते हैं, ठीक है, वो ही अपने आप सब कुछ मैनेज करते हैं। तो हमें सिर्फ जाके पिक करना होता है। तो रेजिडेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा परिवार है। मतलब आप देख लीजिए, 500 से प्लस लोगों का जो है प्लास्टिक आता है, चाहे वो थोड़ा आए चाहे वो ज्यादा आए, लेकिन आता तो है। ठीक है, तो अपनी तरफ से सब अपनी कोशिशें करके इकट्ठा करते हैं, लेके आते हैं, सब करते हैं। तो इनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब इको ट्रूप को चलाना इतना आसान भी नहीं था, लोगों ने सपोर्ट किया। जब भी चला, लोगों का सपोर्ट आगे रहेगा तभी चल पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी मेन है कि आप घर में सेग्रीगेशन कीजिए, सेग्रीगेशन के बाद आप 10 दिन उसको होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद आप जो है हमारी गाड़ी जाएगी तो लेके आएगी। तो सही में थोड़ा सा मेहनत का काम तो है, लेकिन लोग कर रहे हैं तो बहुत खुशी होती है कि हाँ लोग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं और करते हैं। तो मैं तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप भी एनवायरनमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं और ये सारे लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आगे आते हैं लोग तो बहुत खुशी होती है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं बहुत मतलब ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगी इको ट्रू फाउंडेशन और आपसे जुड़े हुए सभी सदस्यों का, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से प्लास्टिक को सेग्रीगेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग जो आपको मदद कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आपको ऐसी ही मदद आगे भी मिलती रहे, आपके और पिकअप सेंटर्स बने, आपका काम ये बहुत बढ़े, और मैं चाहती हूँ कि आपके इस काम में जितना हो सके सहयोग मिल सके। मैं जब भी कभी रोहिणी की तरफ आती हूँ तो मैं जरूर चाहूंगी कि आपसे भी मिल सकूँ और आपके इस काम में सहयोग भी दे सकूँ। आपने अभी बताया कि आप जैसे ये प्लास्टिक जो आपको मिलता है उसको आप रिसाइकलर्स को देके, जो उससे आपको जो भी थोड़ी बहुत धनराशि मिलती है, जैसे भी होता है, उससे आप गायों के लिए फॉडर वगैरह इकट्ठा करते हैं, उनका पशु आहार, उनके लिए चारा, तो ये गायों का भी आप मतलब संभालते हैं? आपने कहा जैसे आपके पास पहले भी गायें थी जिनकी आप सेवा करते थे, तो ये भी आपका कोई जगह है जहां पर गायों की सेवा के लिए भी आया जा सकता है इसी के साथ? नहीं, अब मेरे पास जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं स्ट्रेस की हेल्प करता हूँ। बस मतलब स्ट्रे एनिमल्स की जो भी मेरी जो भी मैं कर पाता हूँ, सारी डिटेल्स मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाल ही देता हूँ। तो मैं अभी हमारी ऐसा कोई जगह नहीं है, लेकिन जितने भी सड़कों पे घूमने वाले जानवर हैं, जहाँ भी दिखते हैं, जो भी हो पाता है उनके लिए वो कर दिया जाता है। जितनी भी धनराशि हमसे हो पाती, तो उनको चारा हो गया या फिर रोटी हो गई या जो भी हमसे बन पड़ता है वो कर देते हैं हम उसका। ग्रेट। सो दोस्तों, जैसे कि अभी गौरव जी ने बताया उनका इंस्टाग्राम का हैंडल का नाम है www.instagram.com/ecotruefoundation।
ECOTROPFOUNDATION. सो आप प्लीज इको टू फाउंडेशन से जुड़िए, इनके इंस्टाग्राम पेज को चेक कीजिए। आपकी तरफ से जो भी मदद आप कर सकते हैं, चाहे आप प्लास्टिक इकट्ठा करने में, चाहे आप पशु आहार इकट्ठा करवाने में, स्ट्रे एनिमल्स की मदद करने में, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि किसी भी तरह से अगर आप इससे जुड़ सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और हमारी इस अर्थ को, इस पृथ्वी को लैंडफिल भराव से बचाने के लिए, जहां पर प्लास्टिक की वजह से आज दिल्ली में भी तीन तीन बड़े बड़े कचरे के ढेर हो गए हैं, जिसकी समस्या बढ़ती ही जा रही है, बिकॉज उसमें से निकलने वाली मीथेन गैस जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो ये इस तरह के कचरे के ढेर और ना बढ़े और ना बने और प्लास्टिक जानवरों के पेट तक ना पहुंचे, उससे पहले ही चरण में अगर हम रोक सके, उस कार्य को करने के लिए अगर आप सहयोग दे सके तो जरूर आगे बढ़िएगा। ओके गौरव जी, पिछली बार आपसे जब एक बार हमने चैट की थी, बात की थी, तो आपने कहा था आप कपड़ा भी इकट्ठा करते हैं एंड उसका सफर थोड़ा सा अलग रहता है। आप शायद कहते हैं कि उसका जो प्रोसेस है, उसमें कपड़ों को लेकर, उसकी कंडीशन देखकर फिर डोनेशन, तो ये कपड़ों वाला जो है वो बताना चाहेंगे कि किस तरह से इकट्ठा होता है या उसकी प्रोसेस कैसे चलती है? बिल्कुल बिल्कुल, कपड़ा हम इकट्ठा करते हैं, उसको भी सेग्रीगेट करते हैं, जो फटा हुआ होता है उसकी दरी दरी बन जाती है, पायदान बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छी कंडीशन में हमें कपड़ा मिलता है उसको हम डोनेट करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे इसकी भी पूरी डिटेल है कि हमने किस किस को कब कब क्या क्या डोनेट किया है। बेसिकली अभी दो तीन बार से हम जो है उड़ीसा में एक जगह है वहां पे डोनेशन कर रहे हैं, कोई रिमोट एरिया नहीं पहुंच पाती तो वहां पे भेज देता हूं मैं। जरूरत है, अब दिल्ली एनसीआर में तो इतनी जरूरत होती नहीं लोगों को, लेकिन जो भी रिमोट एरिया है देश के, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद मैंने झारखंड देखा, तो इन दो जगह अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो इन दो जगह अभी जा रहा है हमारा कपड़ा, इन दो जगह जा रहा है। तो उसके अलावा भी किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो हम मर्जी जो मर्जी लेके जा सकता है, कोई ऐसी वो नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है, किताबें भी निःशुल्क है, कपड़ा भी निःशुल्क है, जो भी हमारे पास आ रहा है वो जरूरतमंद के लिए निःशुल्क है। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने। सो दोस्तों, कि अगर आपको कहीं पे भी इस तरह से कोई जरूरतमंद दिखता है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि कपड़ा अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसको जरूरतमंद को पहुंचाया जाता है, अगर वो थोड़ा सा फट गया है तो उसकी दरी, बैग या इस तरह की कोई चीजें बनाई जा सकती है। तो अच्छा, ये बनाने के लिए भी आपके पास मतलब कारीगर है या आप कुछ किसी कारीगर नहीं है, बाहर से बनती है सब कुछ। अच्छा ओके, बाकी यही है, लेडीज ही बनाती है, घरों में ही बनता है, ये घर घरेलू उद्योग का ही हिस्सा है, जो दरी बनती है वो भी घरेलू उद्योग का हिस्सा है, चादर बनती है वो भी घरेलू उद्योग का हिस्सा है, आपके बैग बनते हैं वो भी घरेलू उद्योग का हिस्सा है, लोगों को रोजगार तो मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गौरव जी, ये तो जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ आप प्लास्टिक को ही जाने से ही बचा रहे हैं, आप जो सड़क पे घूमने वाले जानवर हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी इन छोटी छोटी कार्यों की वजह से गृह उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक रोजगार का मौका मिल रहा है। सो दोस्तों, अगर आप इको ट्रू फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और आप अपनी सड़कों और शहर को प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं, तो शामिल हो जाइए और कुछ वक्त इस धरती को भी दीजिए, इसको सांस लेने में मदद कीजिए, इस पर एक प्लास्टिक की परत मत चढ़ने दीजिए। तो जिस तरह से गौरव जी ने बताया कि उनके पास सोर्सेस अवेलेबल हैं, लोग आकर उनको मदद कर रहे हैं, मैं यही बार बार कहना चाहूंगी कि इस तरह से दिल्ली के और सेंटर्स जो अगर हैं तो उसको आप मदद कीजिए। आप अपने घरों में सबसे पहले तो प्लास्टिक ना लाने की ही कोशिश कीजिए, जितना हो सके बल्क में खरीदिए, छोटी छोटी वस्तुएं खरीदना अवॉइड कीजिए। आप जितना ज्यादा क्वांटिटी में चीज लाएंगे आप उतना कम प्लास्टिक लाएंगे। प्लास्टिक लाने के बाद ये नहीं कि तुरंत कांटा कैची से एंड फाड़ के जस्ट फेंक दिया, पाड़ने से पहले, उस प्लास्टिक को खोलने से पहले कई बार सोची कि क्या मैं उसको कहीं और रिसाइकल या रीयूज कर सकती या कर सकता हूँ। नहीं कर सकते तो उसको कम से कम सेग्रीगेशन, जिस तरह से इन्होंने बताया,
उसको धो पोछ के, तरीका होता है कि दूध की थैली को किस तरह से धो के सुखाया जाए, नमकीन की थैली है, बिस्किट की थैली है, इस तरह से उनको अलग अलग सेग्रीगेट कीजिए। इन्फॉर्मेशन गौरव जी के इको ट्रू फाउंडेशन के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी उपलब्ध है, और साथ ही साथ गूगल पे भी इस तरह की बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि किसी भी प्लास्टिक को धोकर सुखाकर आप किसी कंपनी को देने के लिए किस तरह से अपने पास तैयार करके रख सकते हैं। सो हर 10-15 दिन में, मैं फिर से बताना चाहूंगी, इको ट्रू फाउंडेशन की गाड़ियां न्यू फिल्म कॉलोनी, शालीमार बाग और रोहिणी में हमेशा आती हैं। उनको सहयोग कीजिए और अपना योगदान दीजिए इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए। सो गौरव जी, इंस्टाग्राम के हैंडल के अलावा कोई और हैंडल या कोई और सोशल मीडिया लिंक जो आप बताना चाहेंगे? इंस्टाग्राम के अलावा मेरा फोन नंबर है, अगर कोई किसी को भी कोई भी कोई सवाल हो, किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप हमें सीधा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9625665588। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और ये नंबर और आपका इंस्टाग्राम हैंडल इस पॉडकास्ट के नीचे दी गई लिंक में भी ऐड कर दिया जाएगा। सो आप खुल के गौरव जी को कॉल कीजिए, उनसे प्लीज पूछिए, अगर आप किसी भी तरह की मदद उन्हें कर सकते हैं तो आई एम श्योर वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, बिकॉज ही इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, वो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी ही दुआ करूंगी कि आपका ये काम इसी तरह से प्रगति पर रहे, लोग आपके साथ अच्छे से जुड़े रहें, और आपका ये काम आपको बहुत आगे लेके जाए, जिससे धरती भी मुस्कुराए और हम सब भी मुस्कुराए। सो गौरव जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा जानकर कि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, एंड सच बताऊं तो दिल्ली का ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मैं अभी तक 25-26 इंटरव्यू ले चुकी हूँ, लेकिन दिल्ली से ये मेरा पहला इंटरव्यू है, और मुझे जानकर बेहद खुशी हाँ हुई कि आप ये काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ऐसे लोग जुड़ते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि हाँ लोग एनवायरनमेंट के लिए बुला रहे हैं, कर रहे हैं, कि धीरे धीरे ही देखिए एकदम से तो कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे ही, धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे करेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं मंजिल पे पहुंचेंगे। लैंडफिल्स की बात करें तो दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है लैंडफिल्स के, देखा जाए तो धीरे धीरे अगर सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन से ज्यादा जरूरी जो है, अभी मेरे घर में तो दो ही फैमिली मेंबर है, एक मैं हूँ और एक मेरी मदर है बस। तो हमारे यहाँ पे इतना खाना बनता नहीं है, ना ही इतना आता है कि वेस्ट हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितना भी अपना ये जो फूड वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है, इसको कंपोस्ट कर सकें उतना ज्यादा कंपोस्ट धरती कंपोस्ट कीजिए, क्योंकि मीथेन गैस जो लैंडफिल इससे होती है, यही जो है वहाँ पे आपका लैंडफिल बनता है। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, अपना जो भी ग्रीन वेस्ट है तो लोग मेरे से सवाल करते हैं गौरव क्या तुम कंपोस्टिंग करते हो, मेरा जवाब होता है मैं कंपोस्टिंग नहीं करता हूँ, इतना बनता ही नहीं है कि कंपोस्टिंग करनी पड़े। तो बाकी अगर जो भी होता है वो मेरे पास, मेरा पूरा का पूरा गोडाउन है, प्लांट है, तो मैं यहाँ लाके डाल देता हूँ। तो ऐसा लोगों का सवाल होता है तो मैं उसका जेन्युइन जवाब देता हूँ कि भैया मेरे घर में इतना वेस्ट जनरेट होता नहीं जितना होता है। हाँ मेरे घर से जो जनरेट होता है वो दूध की थैली होती है, और उसको भी देखता हूँ कैसे काम हो सके, लेकिन वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, बाकी ऐसा कुछ वेस्ट नहीं है, क्योंकि दो लोगों में इतना वेस्ट होता है नहीं है, जितना खाना बनता है उतना यूज हो जाता है हमारा, खाना बिल्कुल 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 भी उतना ही बना है जितना आपको यूज हो सके, ठीक है बिल्कुल ना। नहीं तो फूड का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही कह रहे हैं आप। वैसे भी शादियों का सीजन है, इन दिनों तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब अगले दिन पता चलता है कि किसी शादी के पंडाल के बाहर बहुत खाना बिखरा पड़ा हुआ पता चलता है। तो सही कह रहे हैं कि खाना उतना ही बनाएं जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं, अननेसेसरी बनाकर अगले दिन फेंकने के लिए या जबरदस्ती उसको बना के रखने के लिए कोई तुक नहीं बनता है। तो सोच समझ कर ही चीजें खरीदे, सोच समझ कर ही उसे पकाए, और सोच समझ कर ही चीजों को फेंके भी, मैं कहूंगी। बिल्कुल, तो गौरव जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये सफर जान के कि आप जिस तरह से प्रयत्नशील है इस काम को करने के लिए। एंड एंड में आपने बहुत अच्छा कहा कि सिर्फ बात सिर्फ प्लास्टिक की नहीं है, जो जितना पॉसिबल है उसमें से हम कंपोस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे घर में ऐसी कोई चीज है जिसे हम फिर से खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यस, वो भी करना जरूरी हो जाता है। तो आज के सफर के लिए आपका बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। फाउंडेशन को मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप थैंक यू। आप
जी, आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के सफर के लिए इतना ही। वंस अगेन, आप इनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं इको ट्रू फाउंडेशन से। सो पंचतत्व गर्ल विल बी बैक विथ मोर किस्से, कहानी और स्टोरीज। तब तक प्लास्टिक थैली का करो बहिष्कार, धरती को बस दो यही उपहार। आई थिंक कपड़े का बैग है इसका विकल्प, आज ही लो प्लास्टिक छोड़ने का संकल्प। सो दोस्तों, थोड़ी सी कोशिश कीजिए प्लास्टिक को हो सके तो कम से कम इस्तेमाल कीजिए। बुरा नहीं है, पर हाँ, उसका एक बार इस्तेमाल करके फेंकना वो इस धरती को सहन नहीं हो पा रहा है। हम प्लास्टिक का ढेर लगाते जा रहे हैं जो जानवरों के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए भी एक तकलीफ बनता जा रहा है। आज के सफर में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका एक बार फिर से। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, विदा लेती हूँ। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार।